हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे ये वाला फोटो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है? अगर आप स्किप करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में क्या क्या एडिट हुआ है, कैसा इफेक्ट आया है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और मेरे जो फोटोशॉप का जो भाइयों हैं उनको बोल दे रहा हूँ, अभी तो मैं पिक्सार का डाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो फोटोशॉप का आएगा ना तब उसका भी अलग आएगा, ठीक है? ये जो जन्माष्टमी वाला है ना उसका भी थोड़ा अलग आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट फोटोशॉप का आएगा, ठीक है? तो चलो बिना डाइवर्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ऐसे सेम पोज में फोटो क्लिक करना होगा, ऐसे सामने देखते हुए, ठीक है? और उसके बाद चलते हैं हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, हम अभी आ चुके हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद ये वाला बैकग्राउंड को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद जाते हैं इफेक्ट्स में, और यहाँ जाने के बाद ब्लियर पे जाते हैं, यहाँ, ठीक है? यहाँ से ओके, और उसके बाद यहाँ टूल्स में जाते हैं, उसके बाद यहाँ कर्व्स, और इसको बीच में पकड़ के ऐसे नीचे लाते हैं, जैसे थोड़ा डार्क आएगा, उसके बाद यहाँ से ओके, ठीक है? और ये हो जाने के बाद एड फोटो में जाते हैं और ये वाला मॉडल को ओपन करते हैं। इसका साइज भी बड़ा करना है, लगभग इतना, इतना, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से इसको भी थोड़ा इरेज करते हैं, ओपासिटी को रखते हैं कम, साइज को थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? इसके बाद इसको ऐसे हल्का सा ब्रश करना है, यहाँ से ऐसे कर करके हल्का सा करना है, ठीक है? ज्यादा नहीं, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से ओके, ठीक है? और उसके बाद जाते हैं इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाने के बाद कलर्स में जाते हैं, और कलर्स में जाने के बाद यहाँ हुई में क्लिक करते हैं, यहाँ डबल क्लिक, और अमाउंट को रखते हैं ऐसे 185, यहाँ से हो गया ओके, ये हो गया। और यहाँ, ठीक है, यहाँ से सिंपली यहाँ ओके कर देते हैं, और उसके बाद जाते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद ये वाला ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है उसको ओपन करते हैं, यहाँ ओपन करने के बाद इसको ऐसे फिट कर देते हैं, ऐसे हो गया। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड रखते हैं ओवरले, ठीक है? और उसके बाद इसको थोड़ा हल्का सा इरेज करते हैं, ज़्यादा डार्कनेस आ रहा है, ओपेसिटी को कम, ऐसे हल्का सा, यहाँ से ओके, ये हो गया। उसके बाद ओपासिटी में जाके इसका अमाउंट कितना रखते हैं, सिक्सटी फाइव, ठीक है? और हाँ, ठीक है, हो गया, यहाँ से ओके। और उसके बाद जाते हैं एड फोटो में, उसके बाद ये वाला लेंस को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये वाला हो गया, ओपन करने के बाद उसको ब्लेंडिंग मोड रखते हैं लाइटन, और ओपासिटी को करते हैं 50, ठीक है? उसके बाद इसको थोड़ा इरेज करते हैं हल्का सा, ओपासिटी को कम करके हल्का सा इरेज करते हैं, ऐसे करके,
हल्का सा करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है, धीरे धीरे करना है यहां से। ओके, और फिर से ऐड फोटो में जाते हैं और ये वाला लेंस को फिर से ऐड करते हैं। इसका भी साइज सेम, ब्लेंडिंग मोड रखते हैं, लाइटन ओपेसिटी को भी रखते हैं 50, उसके बाद साइज भी सेम रख देते हैं, हो गया। उसके बाद इसको भी इरेज करते हैं हल्का सा, हो गया यहां से। ओके, और उसके बाद फिर से एड फोटो में जाते हैं। जाने के बाद ये वाला इसको ओपन करते हैं और इसका ब्लेंडिंग मोड करते हैं स्क्रीन, और उसके बाद हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, बीच में रखना है, ये हो गया। और उसके बाद जाते हैं इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाने के बाद ब्लर पे जाते हैं और ब्लर रखते हैं कितना, 5, ठीक है यहाँ से। ओके, और ओपेसिटी को भी थोड़ा कम करते हैं 70 यहाँ से। ओके, उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाते हैं, जाने के बाद इसको भी ऐड कर लेते हैं और इसका ब्लेंडिंग मोड भी स्क्रीन, और इसका भी थोड़ा ब्लर और इसका ओपेसिटी 4, ठीक है यहाँ से इसको। ओके, उसके बाद इसको सेम यहाँ बीच में रख देना है यहाँ, ऐसे करके, ये हो गया। उसके बाद ओपासिटी को नीचे रखते हैं 70 यहाँ से। ओके, ये हो गया। और उसके बाद एड फोटो में जाते हैं, एड फोटो में जाने के बाद ये वाला ब्लैक बैकग्राउंड है इसको ऐड करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे फिट कर देते हैं बीच में, हो गया। उसके बाद ओपेसिटी को इतना, ठीक है 93, ठीक है यहाँ से हल्का सा इरेज करते हैं, ओपेसिटी को कम करके साइज को थोड़ा ज़्यादा ऐसे इरेज करते हैं हल्का सा, उसके बाद इसको थोड़ा नीचे लाते हैं यहाँ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके, ये हो गया। और उसके बाद टूल्स में जाते हैं, टूल्स में जाने के बाद कर्व में, और यहाँ लेफ्ट साइड पकड़ के थोड़ा सा नीचे करके, और यहाँ से हल्का सा ऊपर, ठीक है। अब यहां से ओके, हो गया। उसके बाद फिर से एड फोटो में जाते हैं, यहां जाने के बाद ये वाला है इसको ऐड करते हैं, ये हो गया। उसके बाद इसको भी थोड़ा हल्का सा इरेज कर देते हैं, ओपेसिटी को कम करके हल्का सा इरेज करते हैं, ठीक है, ऐसे राउंड करके थोड़ा सा, ये हो गया यहाँ से। ओके,
उसके बाद हो गया यहाँ से भी ओके। और उसके बाद फिर से एड फोटो में जाते हैं, जानने के बाद ये वाला है इसको ऐड कर दें, और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन इसको भी सेम ब्लर में जाके यहाँ रखते हैं 4 तक, यहाँ से ओके। उसके बाद इसका ओपेसिटी भी रहेगा 70, हो गया यहाँ से ओके। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाते हैं, इसको ऐड करते हैं, यहाँ से इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ, और इसको थोड़ा रोटेट करते हैं ऐसे करके, यहाँ बीच में लगेगा इतना, ठीक है। उसके बाद इसको भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं, हमने इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है, ऐसे करके हल्का सा हो गया, यहाँ से ओके, यहाँ से भी ओके। उसके बाद हम फिर से एड फोटो में जाते हैं, और ये वाला एयरिंग से इसको ऐड करते हैं, इसे यहाँ पे इसे फिट कर देना है, ठीक है, सेम ये हो गया, यहाँ से इसको ओके। और फिर से जाते हैं एड फोटो में, उसके बाद ये वाला कुछ रोजेस है, इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं, इसको रखते हैं यहाँ ऐसे करके, यहाँ पे ये हो गया, इसका भी ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं 65 इतना, ठीक है, यहाँ से ओके। उसके बाद जाते हैं फिर से एड फोटो में, जाने के बाद ये वाला टेक्स्ट लोगो है इसको लाते हैं, और उसके बाद ब्लेंडिंग मोड करते हैं स्क्रीन, इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं इतना, ठीक है, यहाँ रखते हैं ऐसे, हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके, और उसके बाद जाते हैं ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से कलर चूज करते हैं थोड़ा सा रेड, ओके, और ये लिप में थोड़ा ब्रश करते हैं इसे, ज़्यादा नहीं लिप के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा ये हो गया। और उसके बाद यहाँ ब्लेंडिंग मोड इसको करते हैं ओवरले इसको इतना, ठीक है, चलो देखते हैं अब कैसा दिख रहा है, ओके पूरा परफेक्ट ये हो गया। उसके बाद हम सिंपली यहाँ से ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद चलो इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से, और हम आ चुके हैं अभी लाइटरूम एप्लीकेशन में, और जो हमने एडिट किए थे पिक्सार्ट में उसको लाते हैं इधर यहाँ से, ये वाला इसको ऐड करते हैं, ये हो गया। यहाँ पे ऑल फोटो में जाके यहाँ इसको क्लिक करते हैं, ये आ गया। उसके बाद इसका लाइट्स थोड़ा एडजस्ट करते हैं, एक्सपोजर हाईलाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, शेडोज को भी थोड़ा सा हल्का सा, व्हाइट्स को भी थोड़ा सा, ब्लैक्स को थोड़ा माइनस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तो सब ठीक है,
और टेक्सचर देते हैं थोड़ा, हो गया क्लैरिटी भी थोड़ा सा 25 या ठीक है, और विग्नेट देखते हैं कैसा दिख रहा है विग्नेट का, ये भी सही है, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा शार्पनिंग भी देते हैं, ये हो गया, डिटेल भी थोड़ा देते हैं तो ठीक है। तो चलो हो गया हमारा फोटो फाइनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो जल्दी से अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, ठीक है। और पहले से बोल दे रहा हूँ आपको थैंक यू, क्योंकि आप मेरे भाई हो तो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल पे जो अभी न्यू देख रहे हैं उनको दिल से वेलकम एंड थैंक यू, और प्लीज़ जाते वक्त सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, जाओ यार जल्दी से वहाँ जाके फॉलो करो और लेटेस्ट फोटोज़ देखो और ट्यूटोरियल भी सीखो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।